बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम हेयर विद यू विद द लेक्चर नंबर 16 ऑफ डाटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स कोर्स। एंड दिस कोर्स इज दिस लेक्चर इज सेवंथ एंड फाइनल पार्ट ऑफ एल्गोरिथम एनालिसिस चैप्टर व्हिच वी आर डिस्कसिंग फॉर द पास्ट फ्यू वीक्स। तो इन टुडेज लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस टू मोर टॉपिक्स। दिस विल बी द फाइनल टू टॉपिक्स फ्रॉम दिस चैप्टर। These are multiple parameters and space bounds. Let me introduce myself. My name is Dr. Aftab Akram, and I have done my PhD in computer science from South China Normal University in Guangzhou, China. And currently, I am working as lecturer in Division of Science and Technology, University of Education, Lahore. तो थोड़ा सा मैं recap कर दूँ कि इससे पहले हमने क्या किया और इस लेक्चर में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चैप्टर है दैट वाज द इंट्रोडक्शन अबाउट एल्गोरिथम एनालिसिस, जिसमें हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, मैथमेटिकल टेक्निक है, विच इज़ दी एसिम्प्टोटिक एनालिसिस, उसको हम यूज़ करते हैं। तो एसिम्प्टोटिक एनालिसिस बेसिकली ये एक एनालिसिस टेक्निक है। इसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि हम एनालाइज करते हैं प्रॉब्लम को, एल्गोरिथम्स को एनालाइज करते हैं। वो ट्राई टू फाइंड देयर टाइम कम्प्लेक्सिटी, कि हाउ मच टाइम इज़ रिक्वायर्ड टू दिस एल्गोरिथम्स टू प्रोसेस। कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको प्रोसेस करने में इन एल्गोरिथम्स को कितना टाइम दिया हुआ लग सकता है, तो वी जस्ट एनालाइज। और उसकी उसका ये बेनिफिट है कि हमें हमें उनको एग्जीक्यूट नहीं करना पड़ेगा। बिफोर एग्जीक्यूशन हम जो है हम उन एल्गोरिथम्स को जो है वो एनालाइज कर सकते हैं कि इनकी स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी कितनी है। उसके बेस पर हम जो है कोई एक बेटर एल्गोरिथम चूज़ कर सकते हैं, या तो फिर बेटर एल्गोरिथम डिज़ाइन कर सकते हैं। अच्छा, तो उसमें हमने काफ़ी इनको इन काफ़ी सारी चीज़ों को देखा था। और उसमें हमने देखा था कि टिपिकली हमारे पास तीन तरह के इनपुट्स, तीन तरह के सिनेरियोज होते हैं कि इनपुट की बेस डिफरेंट इनपुट्स के लिए, वर्स्ट केस, बेस्ट केस और एवरेज केस सिनेरियोज। फिर हमने कहा था कि हम उनके लिए जो है वो बाउंड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, अपर बाउंड्स, लोअर बाउंड्स और एवरेज बाउंड्स जो है वो हम, और उनको हमने तीन नोटेशन उनके लिए यूज़ की थी। बिग ओ नोटेशन फॉर अपर बाउंड्स, सिग्मा फॉर लोअर बाउंड्स एंड थेटा, जहाँ पे थेटा नोटेशन जहाँ पे अपर और लोअर बाउंड जो है वहाँ पे सेम होती है। तो हमने उसके डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो है वो डिस्कस किए थे। तो आज इसी, चूँकि ये फाइनल लेक्चर है इस चैप्टर में, तो इसलिए हम दो टॉपिक्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे लास्टली। तो इसमें हमने उसी उसी को हमने कंटिन्यू करना है। तो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर। अच्छा, टिपिकली क्या होता है कि हम जो है वी ओनली नीड वन काइंड ऑफ इनपुट। मतलब जैसे हमने पीछे हमने देखा था, हमने कहा था कि जैसे हमारी बिग ओ है, दिस इज़ आवर ओ, तो हमने कहा था कि एक फंक्शन से हम उसे एक रिप्रेजेंट करेंगे एफ ऑफ एन। अब ये जो एफ ऑफ एन है बेसिकली दिस इज़ अ, इसमें जो है वो एक यूनिवेरिएट एक फंक्शन है। ये इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, एफ ऑफ एन को हम लेट्स से कि हम एन स्क्वायर कह सकते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन हो जाएगा। सो दिस इज़ ओनली वन, दिस इज़ एन इज़ द इनपुट साइज। अगर एक रे है तो इससे मुराद ये है कि एन इज़ द साइज ऑफ रे, वट इज़ द साइज ऑफ रे। तो ये हम उसको जो है वो इस तरह से लेते हैं। तो दिस इज़ टिपिकल केस कि हम सिर्फ एक इनपुट हम लेते हैं, विच इज़ दी सिंगल सिंगल वेरिएबल जो है। अब अगर ये फंक्शन, अगर ये थोड़ा सा एफ ओ एन थोड़ा ज़्यादा भी होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, एन स्क्वेयर हो सकता है, टू एन हो सकता है, लाइक दिस वन। बट स्टिल कि यहाँ पे जो हमारा जो वेरिएबल है दैट इज़ एन। बट इन सम सिनेरियोस इट इज़ पॉसिबल कि हमें जो है वो हमें जो है वो एक से ज़्यादा जो है वो हमें वेरिएबल जो है वो यूज़ करने पड़ सकते हैं। मे बी हो सकता है कि एक एन हो और दूसरा जो है वो एम हो जाए। तो हम फिर इसको कुछ इस फॉर्म में लिखेंगे कि इसको फंक्शन को एफ ऑफ एन और सपोज के एम कर लेंगे और एन कर लेंगे। अब जो हमारा जो कॉस्ट फंक्शन है, दिस इज़ आवर न्यू कॉस्ट फंक्शन, तो ये दो वेरिएबल्स पे इसमें जो है वो है, दिस इज़ एम ऑन एन। अच्छा, तो ये जो है एक नया हमारे लिए सिनेरियो है। तो इसको फिर हमने ये देखना है कि हमें ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ती है, व्हाई डू वी नीड सच, इस तरह का डिस्कस करने का
या दो वेरिएबल्स को जो है वो हमें क्यों ज़रूरत पड़ती है कि हम उसको जो है वो यूज़ करें। ओके, तो इस कॉन्सेप्ट को डिटेल से डिस्कस करने के लिए हम क्या करते हैं कि एक एल्गोरिथम हम अभी देखेंगे। एक्चुअली दिस एल्गोरिथम इज़ टू कंप्यूट द रैंक ऑर्डरिंग ऑफ काउंट्स ऑफ ऑल पिक्सल वैल्यूज़ इन अ पिक्चर। तो एक पिक्चर एक्चुअली क्या होती है कि इफ़ यू नो दिस कि एक जो बिट मैप इमेज है लाइक दिस, इसको हम कहते हैं बिट मैप इमेज। तो ये बेसिकली क्या होता है कि ये पिक्सल से मिलकर बनता है। द पिक्सल इज़ मेड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स और ये इस तरह से एक हॉरिजेंटली वर्टिकली ग्रिड के फॉर्म में अरेंज होते हैं लाइक दिस वन एंड दिस वन। और हर पिक्सल का एक उसका कोई ना कोई उसका नंबर होता है। जैसे आपने मैट्रिक्स पढ़े हैं तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि उसमें रो नंबर और कॉलम नंबर होता है। तो इसी तरह से पिक्सल का भी एक आप कह सकते हैं कि उसका रो नंबर होगा और उसका कॉलम नंबर होगा। तो एक्चुअली इसमें ये होता है उसकी लोकेशन होगी। इसके अलावा इसमें एक और चीज़ होती है विच इज़ द कलर ऑफ द पिक्सल, कि उसका कलर क्या है। तो एज़ यू नो दैट कंप्यूटर इज़ अ बाइनरी मशीन, तो एवरी थिंग इज़ इन बाइनरी फॉर्म। तो ये जो कलर्स हैं दीज आर आल्सो बाइनरी नंबर्स। तो इसके लिए जो है वो क्या होता है कि नंबर ऑफ बिट्स हमने देखने होते हैं कि हाउ मनी बिट्स आर यूज फॉर द नंबर ऑफ कलर्स। तो हाईएस्ट जो बिट्स यूज होती हैं दैट इज़ 32 बिट्स जो है वो हम यूज़ करते हैं। तो एक एक पिक्सल के कलर के लिए उसके लिए जो है वो हम 32 बिट्स या 4 बाइट्स जो है वो हम उसके लिए जो है वो हम जो है वो यूज़ करते हैं। तो ओके, बाकी का जो है वो हम इसको नेक्स्ट जो स्लाइड है उसमें डिस्कस करते हैं। ओके, तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि जो एक पिक्सल है एक्चुअली एक टू डायमेंशनल रे होता है। तो इसमें इस तरह से है कि देर आर एक्स लाइक दिस एंड वाई इज़ जस्ट लाइक अ मेट्रिक्स। जैसे आप समझ रहे थे कि मेट्रिक्स है, इस सिमिलर उसी उसी तरह से जो काम करता है। तो उसमें दो चीज़ें होती हैं हर पिक्सल की। एक तो हमने देखनी होती है कि उसकी लोकेशन क्या है और दूसरा हमने देखना होता है कि उसके कलर जो है वो क्या है। लोकेशन हम देखते हैं कि उसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है और वाई कोऑर्डिनेट क्या है। कलर के लिए हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन है। हमारे पास 1 बाइट से लेकर 4 बाइट तक जो है वो कलर के ऑप्शन है। तो जो कि ये जो 4 बाइट्स हैं दिस इज़ एक्चुअली 32 बिट्स हमारे पास जो है वो कलर स्कीम है और इसमें तकरीबन 16 मिलियन जो है वो हमारे पास कलर होते हैं। ओके, तो अब इसमें हमने क्या करना है कि द वैल्यू पिक्सल इज़ इधर अ कोड वैल्यू फॉर द कलर और वैल्यू फॉर द इंटेंसिटी ऑफ द पिक्सल एट दैट पिक्चर एट दैट पिक्सल। तो मेनली क्या होता है कि लोकेशन है वो तो हमें पता है। इसके अलावा हमने यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ द कलर, कि उसका कलर जो है वो यहाँ पे क्या है। अज्यूमिंग दैट ईच पिक्सल कैन टेक एनी इंटीजर वैल्यू इन द रेंज 0 to C-1। तो यहाँ पे जो सी है दिस इज़ एक्चुअली दी नंबर ऑफ कलर्स, के हमारे पास नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम जो है 1 बाइट यूज़ करते हैं फॉर कलर्स एक पिक्चर के कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए, तो इसका मतलब है कि हमारे पास 8 बिट्स होंगी और 8 बिट्स का मतलब ये है कि हमारे पास 256 टोटल कलर होंगे और इनकी जो इंटीजर वैल्यू है दे विल स्टार्ट फ्रॉम 0 अप टू 255। तो नॉर्मली जो है वो कंप्यूटर में जो काउंटिंग है दैट स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड इट्स ऑलवेज लेस वन लेस देन द टोटल नंबर ऑफ जो ऑप्शन है हमारे पास। अब ये हमने 256 कैसे कैलकुलेट किया है, ये हमारे पास एक फार्मूला है, ये पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं 2 रेज टू पावर n। तो अगर आप 2 रेज टू पावर 8 करें तो दैट इज़ इक्वल टू 256 जो है वो हमारे पास आएगा। लेकिन हमारे पास जो इंटीजर में जो नंबर्स में वैल्यू होंगी दैट इज़ फ्रॉम 0 टू 255। तो अब हमने यह करना है कि लेट्स से कि अगर हम 1 बाइट यूज़ कर रहे हैं तो ये बिल्कुल बेसिक है, दिस इज़ द वेरी बेसिक कलर ये जो हम यूज़ करते हैं। ये तो इसमें जो नंबर कलर ऑप्शन है दे आर वेरी लिमिटेड। तो लेकिन इससे ज़्यादा हो सकते हैं, 2 बाइट्स हो सकते हैं, 3 बाइट्स हो सकते हैं, अप टू 4 बाइट्स भी हो सकते हैं। तो उसमें फिर ये होगा कि ये हमारे पास जो ऑप्शन है दे विल इंक्रीज। ये भी सिर्फ आपको मैंने एक कॉन्सेप्ट दे दिया है कि इस तरह से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। ओके, उसके बाद क्या है, द प्रॉब्लम इज़ टू फाइंड द नंबर ऑफ पिक्सल्स ऑफ ईच कलर वैल्यू
and then sort the color values with respect to the number of times each value appears in the picture. तो हमने ये करना है कि हमने हर पिक्सल के वाई देखना है कि एक्चुअली इसको हम समराइज ऐसे कर सकते हैं कि हमने ये देखना है कि हर कलर के कितने पिक्सल हैं इस पूरी पिक्चर में. तो हम क्या करेंगे कि उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम काउंट फाइंड आउट करेंगे. सिंपली ये होगा कि हमें पूरी ये जो पिक्सल अरे है इसको हमें स्कैन करना पड़ेगा और हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कलर जो है वो इस पिक्सल का कौन सा कलर है और हम उसको जो है फिर इंक्रीमेंट करते जाएंगे. इससे हमें एक पता चल जाएगा कि किस कलर के कितने पिक्सल हैं. और उसके बाद फिर क्या होगा कि जब हमारे पास काउंट आ जाएगा देन फिर हम क्या करेंगे कि हम उसमें भी क्या करेंगे उसको सॉर्ट कर देंगे फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट. हम उसको जो है फिर सॉर्ट कर सकते हैं. तो इसका जो एल्गोरिथम है वो अगली स्लाइड में हम देखते हैं. ओके तो इसमें एक चीज़ और रिज्यूम करनी है कि पिक्सल इज़ अ रेक्टेंगुलर विथ पी पिक्सल. तो टोटल नंबर ऑफ पिक्सल हैं. पिक्सल को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं. इसकी जो रेजोल्यूशन है नंबर ऑफ पिक्सल को हम इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1000 × 1000. इसका मतलब है कि ये हॉरिजेंटल पिक्सल हैं और ये जो हैं ये वर्टिकल पिक्सल हैं. अदरवाइज हम इसको जो है वो इस तरह से कर सकते हैं कि मल्टीप्लाई करके टोटल तो हम कह सकते हैं कि दीज आर द टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स इन दिस पिक्चर. तो यहाँ पे पी जो है वो एक्चुअली इसको रिप्रेजेंट कर रहा है. तो बेसिकली सिंपल क्या है कि ये हमने सर मल्टीप्लाई कर दिए इसको पिक नंबर ऑफ पिक्सल्स को तो ये हमारे पास टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स आ गए. ओके दिस इज़ द एल्गोरिदम. हमने ये एल्गोरिदम जो है इसको हमने इसमें तीन फॉर लूप्स हैं. पहली फॉर लूप जो है ये इनिशलाइज करने के लिए इसमें देखें कि ये सी इज़ द नंबर ऑफ कलर्स. ये एक्चुअली क्या है दीज आर द नंबर ऑफ कलर्स है क्योंकि इसमें कितने कलर हैं एंड इट डिपेंड्स कि हम कलर्स के लिए कितनी बिट्स यूज़ कर रहे हैं. और जैसे मैंने आपको जो लास्ट स्लाइड में बताया कि उसमें हमने ये देखना है कि ये हम किस तरह से करेंगे कि हमारे पास फार्मूला है 2^n. n जो है दिस इज़ ए नंबर ऑफ बिट्स. तो अब हमने ये देखना है कि हम कितनी कलर्स के लिए बिट्स यूज़ कर रहे हैं. तो ये हमारे पास फिर टोटल नंबर ऑफ कलर्स जो हैं उतने आ जाएंगे. अगर 8 बिट्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारे पास 256 कलर्स जो हैं वो टोटल होंगे. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि ये एक काउंट एक अरे है तो इसको हम इनिशलाइज करेंगे हर कलर वैल्यू के लिए 0 से इनिशलाइज कर देंगे. और उसके बाद ये दूसरी जो लूप है इसमें हम उन काउंट कलर वैल्यू है उसको हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे. अब ये देखिए कि इसमें जो हमने टर्मिनल कंडीशन दी है दैट इज़ ए नंबर ऑफ़ कलर्स. और इस लूप में जो सेकेंड लूप है इसमें जो हमने टर्मिनल कंडीशन दी है दैट इज़ ए नंबर ऑफ जो हमारे पास हैं पिक्सल्स हैं ये वो हैं. तो अब क्या होगा कि यहाँ पे सिंपली क्या होगा कि ये काउंट जो है ये हम यहाँ से एक एलिमेंट लेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे कि हम देखेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है और फिर हम उस कलर वैल्यू को हम इंक्रीमेंट करते हैं कि ये जो अगर जो है वो उसकी वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो गई है उस कलर मैच कर गया है तो हम फिर उस कलर की जो एक वैल्यू है हम उसको जो है वो हम उसको इंक्रीमेंट कर देंगे. और उसके बाद ये हमारी थर्ड लूप है. थोड़ी थर्ड एक फंक्शन है जिस इज़ अ सॉर्ट फंक्शन. यहाँ पे हमने बताया नहीं कि किस किस्म की सॉर्ट है लेकिन हम ये देख रहे हैं कि एनी काइंड ऑफ जो सॉर्टिंग फंक्शन है हम उसको यूज़ कर सकते हैं. और इसको हम क्या देंगे कि इसको हम दो चीज़ें इनपुट करेंगे. एक तो ये काउंट अरे जो है ये दे देंगे और दूसरे नंबर ऑफ कलर्स जो है वो हम इसको दे देंगे. तो इसमें जैसे बताया कि जो काउंट है इज़ एन अरे ऑफ साइज सी. इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर सी है विच इज़ एक्चुअली द नंबर ऑफ कलर्स नंबर ऑफ पिक्सल फॉर ईच कलर वैल्यू एंड फंक्शन वैल्यू है रिटर्न्स द कलर वैल्यू फॉर द पिक्सल आई. तो ये देखिएगा कि ये जो है इसमें कितने जो हैं वो इसमें इसमें जो है वो जो भी इसकी वैल्यू है वो उसकी रिटर्न करेगा किसी भी पर्टिकुलर पिक्सल की. और जो सॉर्ट फंक्शन है इट सॉर्ट द पिक्सल बेस्ड ऑन द कलर काउंट्स के उसमें आप कह सकते हैं कि असेंडिंग ऑर्डर में हो सकती है लोएस्ट पहले आ जाएगी हाइएस्ट बाद में आ जाएगी. या डिसेंडिंग में भी हो सकती है कि जो हाइएस्ट कलर पिक्सल हैं जो है कलर है वो पहले आएगा और फिर उसके बाद जो लोएस्ट है वो एंड पे आएगा. तो हमने एक्चुअली इसमें जो इन्वेस्टिगेट करना है वो हमने ये देखना है कि इसमें जो है वो हम जो रनिंग टाइम है वो हम कैसे इसका कैलकुलेट. ओके एंड द टाइम फॉर द फर्स्ट फॉर लूप विच इज इनिशलाइजेस द काउंट इज बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ कलर्स. तो इसकी जो हमारे पास जो एंड टाइम फॉर द सेकेंड लूप विच डिटरमिन्स द नंबर ऑफ पिक्सल ऑन ईच लूप इज
थीटा पी है, बिकॉज उसमें हमने देखा था कि हमने जो उसमें हमने लिया है, जो हमारे पास एक्चुअली जो लूप चलेगी दैट इज़ द नंबर ऑफ पिक्सल, कितने नंबर ऑफ पिक्सल है, और फर्स्ट लूप जो है वो चलेगी कि नंबर ऑफ कलर्स जो है वो कितने हैं। टाइम फॉर द फाइनल लाइन इज द कॉल टू द सॉर्ट डिपेंड्स ऑन द कॉस्ट ऑफ द सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स यूज्ड। तो हमने ये नहीं बताया था कि हम उसमें सॉर्टिंग एल्गोरिदम कौन सा यूज़ कर रहे हैं। तो लास्ट लेक्चर में हम ये डिटेल से डिस्कस कर चुके हुए हैं कि सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स की डिफरेंट उनकी टाइम कम्प्लेक्सिटी हो सकती है, लेकिन उसकी जो एवरेज टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी दैट इज़ द थीटा ऑफ पी लॉग पी। तो इससे मिनिमम हम जो है वो नहीं जा सकते, ना इससे ज़्यादा हम ज्यूम कर सकते हैं। सो एटलीस्ट हम कोई ऐसा एल्गोरिदम यूज़ करेंगे जिसकी मिनिमम जो है उसकी जो है वो कम टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी। तो इसमें अब क्या है कि हमने यहाँ पे जो पी है दिस इज एक्चुअली द नंबर ऑफ पिक्सल्स, कि पी हम ये चाह रहे हैं कि हमने पी आइटम जो है वो सॉर्ट करने, तो उनको हमने सॉर्ट करना है अकॉर्डिंग टू देयर कलर वैल्यूज जो हमने उसको सॉर्ट करना है। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्वेश्चन हमारे पास ये है कि टोटल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो कितनी होगी। अच्छा, पहली चीज़ ये है कि ये जो हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया है, इज़ दिस अ गुड रिप्रेजेंटेशन फॉर द कॉस्ट ऑफ दिस एल्गोरिथम, कि इसकी जो टोटल कॉस्ट है उसके लिए जो है वो ये रिप्रेजेंटेशन ठीक है, एंड व्हाट इज़ एक्चुअली बीइंग सॉर्टेड। तो हमने जो प्रॉब्लम है उसको क्लेरिफाई करना चाहिए कि हमने पिक्सल्स को सॉर्ट करना है या हमने कलर्स को सॉर्ट करना है, व्हाट वी आर गोइंग टू सॉर्ट, पिक्सल्स और कलर्स। तो ये दो चीज़ें हैं। तो एक्चुअली जो प्रॉब्लम है वो हमें ये कह रही है कि हम हर हर जो कलर काउंट है उस हम ये देखेंगे कि उसके पिक्सल्स कितने हैं। तो एक्चुअली हमने कलर्स को कलर वाइज उसको सॉर्ट करना है, नॉट द पिक्सल वाइज। पिक्सल का मतलब ये होगा कि आप ये देखें कि दिस इज़ एक्चुअली नॉट अ एक्यूरेट डिस्क्रिप्शन, कि इसको ये रिप्रेजेंटेशन जो है ये पिक्सल वाली ठीक नहीं है। हमने एक्चुअली देखना है कि लेट्स सपोज कि हमारे पास एक कलर है रेड, तो हमने देखना है कि रेड के कितने पिक्सल हैं, हाउ मेनी पिक्सल ऑफ रेड, हाउ मेनी पिक्सल ऑफ ग्रीन, ये कितने हैं, और फिर हम इस काउंट के बेस पे इन कलर्स को जो है वो सॉर्ट कर देंगे। अच्छा, इसमें ये है कि इस नॉट द पिक्सल्स रादर देन कलर्स इसको कि हमने सॉर्ट करना है। तो ये जो पिछली स्लाइड में हमने जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ की, ये जो है ये ठीक रिप्रेजेंटेशन नहीं है, बिकॉज के पिक्सल्स को हम नहीं सॉर्ट करते, पिक्सल वाइज हम नहीं ले सकते। तो जो हमने पी लॉग पी टाइम कम्प्लेक्सिटी ली, एक्चुअली दिस इज़ नॉट करेक्ट। हमें जो है वो इंस्टेड ऑफ नंबर ऑफ कलर्स लेने चाहिए, नॉट द नंबर ऑफ पिक्सल्स जो है वो हमें उनको कंसिडर करना चाहिए। अच्छा, अब लेकिन इसमें प्रॉब्लम जो है ये कि टिपिकली क्या होता है कि सी इज़ मच मच स्मॉलर देन पी, बिकॉज कि अगर आप देखें, अगर आप एक लेते हैं कि अगर आप 8 बिट के कलर लेते हैं तो आपके पास 256 टोटल कलर होंगे, और अगर आप 100,000 बाय 1,000 का भी 1,000 बाय 1,000 का भी अगर आप एक इमेज लेते हैं जिसमें 1,000 पिक्सल हॉरिजेंटली 1,000 वर्टिकली हो, दिस इज़ नॉट मच, क्योंकि कोई बड़ी बहुत बड़ी पिक्चर जो नहीं है, तो इसमें भी जो है वो तकरीबन जो है वो 1 लाख जो है उसके अंदर पिक्सल होंगे, विच इज़ मच मच ग्रेटर देन दिस 256 जो है इससे बहुत बहुत बड़ा है ये। तो अब इसमें इस सूरत हाल में हम क्या करेंगे। अच्छा, तो इसमें अब क्या होगा कि अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेते हैं, ये जो एस्टिमेट है पी लॉग पी का, इट्स एक्सट्रीमली पेसिमिस्टिक। पेसिमिस्टिक का मतलब ये है कि इस एक्चुअली आपको जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो बहुत ज़्यादा करके दिखा रहा है, और लेकिन एक्चुअली जो है वो हम जो हम सॉर्ट कर रहे हैं वो हमारी वो बहुत कम है। तो अगर हम कलर बेस पे करते हैं तो कलर्स में दे आर वेरी फ्यू, तो अगर पिक्सल बेस पे करते हैं पिक्सल तो बहुत ज़्यादा है। तो ये जो टाइम ये जो कम्प्लेक्सिटी है ये क्या हो जाएगी, ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी। बिकॉज अगर आप देखें, तो अगर ये सिंपली अगर आप इसको कैलकुलेट करें, यू कैन डू इट एज एन एक्सरसाइज, कि अगर आप इसको इस तरह से लेते हैं पी लॉग पी सपोज, और ये बेस टू आप ले रहे हैं, और यहाँ पे जो है सपोज के ये जो नंबर ऑफ पिक्सल हैं दे आर ये जो हैं अप्रोक्सीमेटली दिज आर 100,000, तो दिस वैल्यू इज भी मच मच ग्रेटर। अगर आप उसी जगह पे अगर आप सी सी लॉग सी लेते हैं तो सी लॉग सी में क्या होगा कि सी इज़ मच मच स्मॉलर, इज़ 256 ओनली, तो ये वैल्यू जो है बहुत जो है वो कम होगी।
अब इसमें क्या है कि अगर हम पिक्सल्स को यूज़ करते हैं तो दैट्स एक्चुअली क्या होगा कि ये जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ये बहुत इन्फ्लेट हो जाएगी, बहुत एग्जेजरेट हो जाएगी, तो विच इज़ नॉट करेक्ट. वो हमें इनकरेक्ट हमारे जो एल्गोरिथम का जो रनिंग टाइम है उसके मुताबिक बहुत ही इनकरेक्ट जो हमें इन्फॉर्मेशन है वो दे रही होगी, विच इज़ नॉट गुड एक्चुअली. तो इसकी बजाय क्या करते हैं कि इंस्टेड वी शुड यूज़ पी एज आवर एनालिसिस वेरिएबल फोर स्टेप्स एंड दैट लुक एट ईच पिक्सल एंड सी एज एज आवर एनालिसिस वेरिएबल फोर स्टेप दैट लुक एट कलर्स. तो हम इसमें क्या करेंगे कि हम इसमें दो इनपुट वेरिएबल यूज़ करेंगे, नोट वन, क्योंकि हमने जो लास्ट एग्जांपल में जो स्लाइड में देखा है हमने क्या किया है कि हमने एक ही एनालिसिस वेरिएबल लिया, दैट वाज पी. तो हमने अब यहाँ पे ये करना है कि हमने दो यूज़ करने हैं, एक पी के लिए जहाँ पे हम पिक्सल्स को देख रहे हैं उसके लिए वहाँ पे हम पी को यूज़ करेंगे, और जहाँ पे हम कलर्स को देख रहे हैं वहाँ पे हम सी को यूज़ करेंगे. तो इस चीज़ को हम दोबारा ज़रा देखते हैं अगली स्लाइड में कि हम इसको अब कैसे हैंडल करेंगे. तो हम सबसे पहले हम फर्स्ट लूप को देखते हैं. इनिशियलाइजिंग लूप में चूँकि हम कलर्स को डिस्कस कर रहे हैं तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ द सिंपल, वो इनिशियलाइजेशन लूप है और दैट विल ओनली रन कि जितने हमारे पास जो है नंबर ऑफ कलर्स होंगे. तो इसके लिए उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है उसमें कोई भी बेस्ट केस या वर्स्ट केस नहीं है, जस्ट दिस इज़ वन वन पॉसिबिलिटी, और वो ये कि थीटा सी उसकी जो है वो उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी होगी. सेकेंड लूप में इसी तरह से हम पिक्सल, हर पिक्सल को हम जो है वो उसको हम चेक कर रहे हैं, तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है दैट इज़ थीटा पी. और जो फाइनल लूप है उसमें भी हमने कलर कलर वाइज चूँकि पिक्सल को सॉर्ट कर रहे हैं तो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी हो जाएगी सी लॉग सी. तो इंस्टेड ऑफ पी हमने क्या किया कि हमने सी जो है वो हमने यूज़ किया. तो अगर आप इसकी टोटल हमने चूँकि दीज आर थ्री लूप्स, तो अगर हमने इसमें इनको टोटल हमने इनका देखा तो हम क्या करेंगे, जो हमने एक रूल्स पढ़े थे जो समीशन के, तो इनकी जो टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी कि हम इन तीनों को हम ऐड कर देंगे आपस में, दैट इज़ ए टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी. तो इसकी जो टोटल कॉस्ट है दैट इज़ सी लॉग सी, ये हो जाएगी थीटा ऑफ पी प्लस सी लॉग सी. अच्छा, यहाँ पे ये वाला सी कहाँ गया, एक्चुअली इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं सी लॉग सी प्लस सी, और फिर आप इसको सी कॉमन ले लें तो दिस इज़ लॉग सी प्लस वन. तो वन को हम इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज दिस इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, तो ये वापस क्या रह जाएगा, दिस इज़ सी लॉग सी. तो इसी तरह से यहाँ पे जो है वो सी लॉग सी जो हम उसको यूज़ करेंगे, बट वी कैन नॉट एलिमिनेट पी बिकॉज पी इज़ अ डिफरेंट क्वान्टिटी. ओके, तो नेक्स्ट जो है वो हमने जो डिस्कस करना है दैट इज़ द स्पेस बाउंड्स. तो स्पेस बाउंड्स बेसिकली क्या है कि ये इसी तरह से हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है, जिस तरह से हम टाइम बाउंड्स फाइंड आउट करते हैं इसी तरह से हम स्पेस बाउंड भी फाइंड आउट करते हैं. तो स्पेस बाउंड का मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल हमें कितनी स्पेस जो है वो चाहिए होगी. तो इसमें क्या है कि बिसाइड्स टाइम स्पेस इज अदर कंप्यूटिंग रिसोर्स दैट इज कॉमनली ऑफ कंसर्न टू प्रोग्रामर्स. द एनालिसिस टेक्निक्स यूज टू मेजर स्पेस रिक्वायरमेंट सिमिलर टू दोज यूज टू मेजर द टाइम रिक्वायरमेंट्स. और उसके बाद क्या है कि हाउएवर व्हाइल टाइम रिक्वायरमेंट्स आर नॉर्मली मेजर्ड फॉर एन एल्गोरिथम दैट मैनिपुलेट्स अ पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर, स्पेस रिक्वायरमेंट्स आर नॉर्मली डिटरमिन्ड फॉर द डेटा स्ट्रक्चर इटसेल्फ. तो इसमें क्या है कि हम ये देखते हैं कि जो टाइम उसमें हमने जो है हम उसमें इनपुट साइज देखते हैं दैट इज आल्सो रिलेटेड टू दी कि डेटा स्ट्रक्चर आप कौन सा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम उसमें ये नहीं देखते कि हमारे पास जो डेटा स्ट्रक्चर एक्चुअली जो है वो स्पेस कितनी ले रहा है. तो ये स्पेस का जो है कि वो कितनी स्पेस ले रहा है, फिर ये एक अलग कंसर्न बन जाता है जिसको अभी अभी थोड़ी देर में जो है वो हम उसे डिस्कस करेंगे. द कंसेप्ट ऑफ एसिम्प्टोटिक एनालिसिस फॉर ग्रोथ रेट्स ऑन इनपुट साइजेस अप्लाई कम्प्लीटली टू मेजर स्पेस रिक्वायरमेंट, क्योंकि जैसे जैसे इनपुट साइज इंक्रीज होगा उसके साथ साथ जो है वो स्पेस भी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी. तो उसकी एग्जाम्पल जो है वो ये है कि सपोज के अगर आपने देखा था कि हम एक इंटीजर ले लेते हैं उसका साइज एन है, तो हर अगर इंटीजर को फॉर एग्जांपल के 2 बाइट्स अगर वो लेता है
और इसका साइज़ जो है वो शुरू में 10 है, तो इसका मतलब है कि 20 बाइट्स होंगे। अगर साइज़ 100 हो जाएगा तो 200 बाइट्स होगी। तो इस तरह से नंबर ऑफ बाइट्स जो है वो इंक्रीज़ करती रहेंगी। तो ये एक इसमें होगा कि इनपुट साइज़ क्रॉस करने से ना सिर्फ कि उसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज़ होगी, बल्कि उसके उसके साथ साथ जो है उसकी जो है वो स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो भी इंक्रीज़ होगी। तो अब हमने कोशिश करनी है दोनों को बैलेंस करने की, स्पेस कम्प्लेक्सिटी को भी और टाइम कम्प्लेक्सिटी को भी, कि इसको हमने बैलेंस करना है एक चीज़ के, ये हम टाइम भी कम से कम कंज्यूम करें, स्पेस भी कम से कम जो है वो कंज्यूम। एग्जाम्पल एक देखते हैं हमारे पास है कि व्हाट इज़ द स्पेस रिक्वायरमेंट फॉर एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स इफ ईच इंटीजर रिक्वायर्स 3 बाइट्स, तो देन एरे रिक्वायर्स CN बाइट्स, और विच इज़ द थेटा ऑफ एन जो है उसकी होगी। तो सिंपली ये है कि उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी बीतनी है और स्पेस कम्प्लेक्सिटी बीतनी है, विद इंक्रीज इन साइज उसकी स्पेस कम्प्लेक्सिटी उसी कॉन्स्टेंट फैक्टर से जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसी तरह से एक और है कि इमेजिन दैट वी वांट टू कीप ट्रैक ऑफ फ्रेंडशिप्स बिटवीन एन पीपल, वी कैन डू दिस विद एन एरे ऑफ साइज एन क्रॉस एन। एन क्रॉस एन में इसमें क्या होगा कि ये एक तरह से एक मैट्रिक्स है और ये एन इंटू एन का मैट्रिक्स है। एन इंटू एन का मतलब एन 10 है तो इसे 10 बाय 10। तो अब यहाँ पे क्या होगा कि अगर किसी की फ्रेंडशिप है तो हम उसको जो है वो अगर दोनों में फ्रेंडशिप है तो वहाँ पे 1 कर सकते हैं, अगर नहीं है तो हम 0 कर सकते हैं। तो इसी तरह से 1 और 0 का एक मैट्रिक्स है वो बन जाएगा। ईच रो ऑफ अरे रिप्रेजेंट द फ्रेंड्स ऑफ एन इंडिविजुअल। तो इसमें क्या होगा कि जो फर्स्ट अरे है दैट एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द फ्रेंड्स ऑफ पर्सन वन, फर्स्ट पर्सन, फिर सेकेंड की है, फिर थर्ड की है, फिर फोर्थ की, अप टू सो ऑन, वो चलता रहेगा। विद द कॉलम इंडिकेटिंग हु एज द इंडिविजुअल एज अ फ्रेंड। फॉर एग्जाम्पल इफ अ पर्सन जे इज़ अ फ्रेंड ऑफ पर्सन आई, देन वी प्लेस अ मार्क इन कॉलम जे ऑफ रो आई इन द एरे। लाइक वाइज वी शुड आल्सो प्लेस अ मार्क इन कॉलम आई ऑफ रो जे इफ वी अज्यूम द फ्रेंडशिप वर्क्स बोथ वेज। फॉर एन पीपल द टोटल साइज ऑफ द एरे इज थ्री टाइम स्केयर। तो लाजमी बात है क्योंकि हमें हर हर एक इंडिविजुअली जो है वो हमें स्पेसिफाई करनी पड़ेगी कि फ्रेंड है या नहीं है। तो उसके लिए फिर क्या होगा कि हमारे जो है वो जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी दैट विल बी एन स्क्वायर जो है वो हो जाएगी, इट नॉट लेस देन दिस। अच्छा, इसमें क्या अ डेटा स्ट्रक्चर प्राइमरी पर्पज इज टू स्टोर डेटा इन अ वे दैट अलाउज एफिशिएंट एक्सेस टू डेटा। तो ये जो बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एफिशिएंट एक्सेस से क्या मुराद है कि टाइम कम से कम लगे। इनफैक्ट हम क्या करना चाह रहे होते हैं कि ये जो स्पेस और टाइम कम्प्लेक्सिटी है दीज आर नॉट सेपरेट, एक दूसरे से टोटली सेपरेट नहीं है। बिकॉज के अगर जो है वो स्पेस जो है वो उसकी जो है वो कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो, फिर उसके साथ साथ जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी पे भी इफेक्ट होगा। टू प्रोवाइड एफिशिएंट एक्सेस इट मे बी नेसेसरी टू स्टोर एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट वेयर द डाटा आर विद इन द डाटा स्ट्रक्चर। फॉर एग्जाम्पल ईच नोड ऑफ अ लिंक लिस्ट मस्ट स्टोर अ पॉइंटर टू द नेक्स्ट वैल्यू ऑन द लिस्ट। तो अगर आपने लिंक लिस्ट पढ़ी है तो आपको पता है कि एक नोड में कुछ इस तरह से होता है कि उसमें एक तो वैल्यू होती है और एक उसमें जो नेक्स्ट नोड का पॉइंटर होता है, जिसमें क्या होता है कि अगली जो नोड है उसका जो एड्रेस है वो उसके अंदर जो है वो स्टोर होता है। तो इस तरह से ये हम जो है वो लिंक लिस्ट बनाते हैं। तो इस तरह से ये चेन जो है वो इस तरह से बनती है कि उसमें वैल्यू और पॉइंटर होगा, इसी तरह से जो है ये इसमें भी अगली अगली जो नोड है उसकी वैल्यू और उसके बाद अगली का अगली जो होगा नेक्स्ट नोड है उसका पॉइंटर होगा। ऑल सच इंफॉर्मेशन स्टोर इन एडिशन टू द एक्चुअल डाटा वैल्यू रेफर टू एज ओवरहेड। तो इसको हम क्या कहते हैं, ओवरहेड हम इसको कहते हैं कि जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वैल्यूज़ के अलावा, तो हम उसको ओवरहेड कह देते हैं। आइडियली ओवरहेड शुड बी केप्ट टू अ मिनिमम वाइल अलाउइंग मैक्सिमम एक्सेस। तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो ओवरहेड है कम से कम हो। तो एक्चुअली इसमें एक ट्रेड ऑफ होता है कि हमने कितना ओवरहेड रखना है। अगर हम बिल्कुल ही ख़त्म कर दें तो मे बी जो है वो उसकी जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज़ हो जाए, और अगर हम बहुत ज़्यादा उसको ओवरहेड को हम ज़्यादा कर दें, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन स्टोर करें, तो उससे ये हो सकता है कि उसकी जो स्पेस कम्प्लेक्सिटी है वो उनकी टाइम तो कम्प्लेक्सिटी कम हो सकती है लेकिन स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज़ हो सकती है।
इसको हम कहते हैं स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ। तो वन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एल्गोरिथम डिजाइन टू रेफर टू एज स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल। और वो एक्चुअली क्या है, द स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल सेज दैट वन कैन ऑफन अचीव अ रिडक्शन इन टाइम इफ वन इज विलिंग टू सेक्रीफाइस स्पेस। तो अगर आप इस तरह से करते हैं कि थोड़ा सा आप स्पेस कहते हैं कि ठीक है जी, थोड़ी स्पेस कम्प्लेक्सिटी ज़्यादा हो जाए लेकिन टाइम कम्प्लेक्सिटी कम हो जाए, तो दूसरी तरफ ये होगा कि अगर आप स्पेस कम्प्लेक्सिटी कम करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो टाइम कम्प्लेक्सिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये कैसे होगा, ये एग्जाम्पल में जो अभी देखते हैं। मैनी प्रोग्राम्स कैन बी मॉडिफाइड टू रिड्यूस स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स बाई पैकिंग और इनकोडिंग इंफॉर्मेशन। अनपैकिंग और डिकोडिंग द इंफॉर्मेशन रिक्वायर्स एडिशनल टाइम, दस द रिजल्टिंग प्रोग्राम यूजेस लेस स्पेस बट रन स्लो। तो अब क्या होगा कि ये कॉन्सेप्ट है पैकिंग का और या इनकोड करने का। तो इसमें एक्चुअली ये करते हैं कि हम इंफॉर्मेशन को कंप्रेस कर सकते हैं और उसको जो है वो सिर्फ इसलिए कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी जो है वो कम हो जाए। तो पहले तो आपको पैक करने में उसको टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन को, फिर उसके बाद उसको अनपैक करने में टाइम लगेगा। दिस टाइम इज इन एडिशन टू द एक्चुअल प्रोसेसिंग विच हैज़ बिन डन ऑन द डेटा। तो उस अभी तो अपने डेटा को भी, अगर लेट्स से कि आप एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम दे रहे हैं और ये आपके पास आपको कहा जाता है कि ये अरे हैं और इसमें कुछ इनकोडेड इंफॉर्मेशन है इस अरे में, तो इसको सॉर्ट कर दें। सपोज हम ये बात करें सॉर्ट कर दें, तो अब हम क्या करेंगे कि पहले तो हमें इसको पैक करना पड़ा, वो एक हुआ, फिर हम इसको अनपैक करना पड़ेगा। तो इन दो स्टेप्स में जो है वो जो टाइम लगेगा कि अनपैक करने में और पैक करने में, तो वो टाइम सॉर्ट के टाइम के अलावा होगा। तो इसमें क्या होगा कि हमारी स्पेस कम्प्लेक्सिटी तो रिड्यूस होगी लेकिन साथ क्या हुआ कि जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होगी बिकॉज ऑफ दीज टू एडिशनल स्टेप्स, पैकिंग एंड अनपैकिंग। कन्वर्सली मैनी प्रोग्राम कैन बी मॉडिफाइड टू प्री स्टोर रिजल्ट और रीऑर्गेनाइज इन्फॉर्मेशन टू अलाउ फास्टर रनिंग टाइम एट द एक्सपेंस ऑफ ग्रेटर स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। टिपिकली सच चेंजेस इन टाइम एंड स्पेस आर बोथ बाय कॉन्स्टेंट फैक्टर। तो ये अब हो सकता है कि हम ये कर सकते हैं कि अपना प्रोसेसिंग टाइम बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि हम ये कर सकते हैं कि हम एक प्रोग्राम के कुछ रिजल्ट्स हैं उसको हम कैलकुलेट करके स्टोर कर सकते हैं। अब उसके लिए हमें एडिशनल स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसका हमें बेनिफिट क्या होगा कि हमें पहले से पता होगा कि ये कितना टाइम जो है, रिजल्ट्स हमारे पास पहले होंगे, हमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा, जस्ट हम उसको जल्दी से जाके उसको जो ऑलरेडी जो कंप्यूटर रिजल्ट्स हैं हम वो प्रेजेंट कर देंगे। उसकी एग्जांपल देखते हैं। क्लासिक एग्जांपल ऑफ स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ इज द लुकअप टेबल। लुकअप टेबल में क्या होता है कि प्री स्टोर्स द वैल्यू ऑफ अ फंक्शन दैट वुड अदरवाइज बी कंप्यूटेड ईच टाइम इट इज नीडेड। फॉर एग्जाम्पल 12 फैक्टोरियल इज द ग्रेटेस्ट वैल्यू फॉर द फैक्टोरियल फंक्शन दैट कैन बी स्टोर इन 32 बिट इंटीजर। तो अब आपने फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो उसमें यह है कि जो 12 फैक्टोरियल जो है ये लार्जेस्ट वैल्यू है जो कि 4 बाइट के, और टिपिकली जो मॉडर्न जो प्रोग्रामिंग जैसे जावा है या C++ है तो उसमें टिपिकली जो इंटीजर वेरिएबल है वो 4 बाइट का होता है। तो उस 4 बाइट में मैक्सिमम जो है वो 12 इसमें फैक्टोरियल जो स्टोर कर सकते हैं। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपको कोई ऐसा प्रोग्राम आप लिख रहे हैं जिसमें आपको 12 का फैक्टोरियल बार बार चाहिए या 11 का चाहिए या 10 का चाहिए, तो हर दफ़ा आपको कंप्यूट करना पड़ेगा। तो इंस्टेड आप क्या करेंगे, आप लुकअप टेबल बनाएं, उसमें सिंपली उसमें 10 एंट्रीज होंगी, 1 से लेकर 12 तक सॉरी 12 एंट्रीज होंगी, 1 से लेकर 12 तक जो है वो उसमें एंट्रीज होंगी। और उसमें आपने जब 12 फैक्टोरियल की ज़रूरत पड़ी तो आपको दोबारा क्या कंप्यूट नहीं करना पड़ेगा। अब जस्ट लुकअप टेबल में जाएँ, 12th लोकेशन पर जाएँ, उधर जो रिजल्ट स्टोर है वो प्रेजेंट करते हैं, दैट्स इट इज फिनिश्ड। इफ यू आर राइटिंग अ प्रोग्राम दैट ऑफन कंप्यूट फैक्टोरियल्स, इट इज़ लाइकली टू बी मच मोर एफिशिएंट टू सिंपली प्री कंप्यूट एंड स्टोर द 12 वैल्यूज इन अ टेबल। ओके, द डिस्क बेस्ड स्पेस टाइम ट्रेड ऑफ प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द स्मॉलर यू कैन मेक योर डिस्क स्टोरेज रिक्वायरमेंट द फास्टर यू प्रोग्राम इन डन। तो एक्चुअली ये था कि पुराने जो कंप्यूटर्स थे इसमें क्या था कि इसमें जो डिस्क स्पेस जो थी उसमें एक्सेस होती थी, मतलब ये होता था कि डाटा जो है वो डिस्क पे स्टोर होता था।
या कह सकते हैं कि जो हमारी मॉडर्न हार्ड डिस्क हैं, तो इससे पहले टेप ड्राइव होती थी। तो यहाँ एक्चुअली जो है वो डिस्क के ऊपर, जो हार्ड डिस्क हैं सिलेंड्रिकल डिस्क, उसके ऊपर डाटा स्टोर होता था। तो अब उसमें क्या होता है कि एक तो कंप्यूटेशन टाइम होता है, दूसरा एक्सेस टाइम होता है। और नॉर्मली जो डिस्क हैं दे वर्क मच मच स्लोअर दैन द माइक्रो प्रोसेसर। तो इस वजह से जो है वो हमें यह करना पड़ता है कि हमें डाटा मेन मेमोरी में स्टोर करना पड़ता है, ताकि जो है वो हम उसको एफिशिएंटली जो है वो हम उसको उसको एक्सेस कर सकें। एंड दिस इज़ बिकॉज द टाइम टू रीड इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिस्क इज अनॉर्मस कंपेयर टू द कंप्यूटेशन टाइम। सो ऑलमोस्ट एनी अमाउंट ऑफ एडिशनल कंप्यूटेशन नीडेड टू अनपैक द डेटा इज गोइंग टू बी लेस देन द डिस्क रीडिंग टाइम सेव्ड बाई रिड्यूसिंग द स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। एंड नेचुरली दिस प्रिंसिपल डज नॉट होल्ड टू नॉल केसेज, बट इट्स गुड टू कीप इन माइंड दैट व्हेन डिजाइनिंग प्रोग्राम दैट प्रोसेस इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन डिस्क। तो ये थोड़े से अब जो हमारे पास कंप्यूटर्स हैं इनकी मेन मेमोरीज काफ़ी ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम इस चीज़ के बारे में ज़्यादा वरी तो नहीं करते कि हमारा कितना डाटा डिस्क में स्टोर है। बट स्टिल जैसे बिग डाटा है, तो इसकी वजह से हमारे पास बहुत ज़्यादा ऐसा डाटा है जो कि रिमोट लोकेशंस पे भी स्टोर होता है, तो वहाँ पे एक्सेस करने में भी उनको उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो ये थोड़ी सी चीज़ें हमें इसको कंसिडर जरूर करना चाहिए, और ताकि जो है वो हम यानी कि स्पेस रिक्वायरमेंट्स को हमें जो है स्पेस कम्प्लेक्सिटी को टोटली इग्नोर जो है वो हमें नहीं करना चाहिए, इसको इसको जो है वो जहन में रखना चाहिए। ओके, चूँकि हमारा ये चैप्टर जो है ये कंक्लूड हो चुका है, नेक्स्ट क्लास से लेक्चर से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ अबाउट द फंडामेंटल डेटा स्ट्रक्चर्स। और उसमें जो है वो फिर हम हमारे जो लिस्ट क्यूज और इस तरह के जो डेटा स्ट्रक्चर हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, उनको उन पर डिस्कशन जो है स्टार्ट करेंगे। टिल देन आई से यू अल्लाह हाफिज़, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह।